आपका आगमन हुआ है, किस कार्यक्रम में आपका आगमन हुआ है? आज देख ही रहे, अभी उद्घाटन किया है, यहाँ शुद्ध पानी मिलेगा गौरैया वालों को, बढ़िया व्यवस्था होगी, शुद्ध पानी जैसे बीमारियों से बचा जाएगा, तो उद्घाटन हो गया है, अब पानी बढ़िया शुद्ध पानी मिलेगा लोगों। नेताजी, अगर वर्तमान समय में बात की जाए, तीन राज्यों में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी की लहर आई है, 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने मध्य प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी को एक तरीके से निग्लेक्ट करने की कोशिश की, तो क्या ये बरकरार रहेगा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन मिलकर के ही 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना था, तो 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अभी कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन और पीडीए से गठबंधन होगा, मतलब समझ में नहीं आया क्या हुआ? पीडीए लेके चलेंगे आगे। देखो, पीडीए रणनीति है, पीडीए में तो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के पिछड़े हैं, दलित हैं, अगड़े भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, उपेक्षित लोग हैं, तो ये सब इकट्ठा होकर के पीडीए एक रणनीति के तहत, और इंडिया गठबंधन है, तो ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। अरे, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, क्या लगता है कि यूपी में भी उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो उनको हमारी तरफ से बधाई, तो वो अपना अब वहाँ सरकार बन गई, अब देखें, अब अच्छा चलाएं, अच्छा काम करें, यहाँ तो हम लोग देख लेंगे, यूपी तो हम देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री के पद के लिए यादव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, तो क्या लगता है कि यूपी के चुनाव में कहीं इसका कोई सेंधमारी तो नहीं कर रही बीजेपी? लेकिन हम उनको बधाई देते हैं, अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव बन गए, उन्हें बधाई, हमारी शुभकामनाएं, अब वहाँ पर अच्छा चलाए। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर क्लीन स्वीप करेगी लोकसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, लाइन आर्डर नाम की तो चीज है ही नहीं यहाँ पर, कितनी घटनाएं हो रही हैं, और घटनाओं के साथ साथ भ्रष्टाचार कितना है, महंगाई कितना है, तो यहाँ की जनता परेशान है। 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अब इंडिया गठबंधन लड़ेगा मिलकर के, ये तय हो जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा, अभी तो समय है। लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अब मजबूत गठबंधन बनेगा पीडीए, और आपका कहना है इंडिया गठबंधन है, ये पीडीए रणनीति के तहत, हमने बताया ना, रणनीति भी होती है चुनाव में। सर, पीडीए क्लियर कर दीजिए, पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक पीडीए बोलते हैं, इंग्लिश में जब पत्रकार नहीं समझ पा रहे पीडीए के, तो आम जनता क्या समझती होगी? क्या आप स्पष्ट नहीं कहेंगे इस बात को, पीडीए हिंदी में व्याख्यांश है, जैसे आम जनता जाने जगह होगी, जो 80% सभा का वोट देती है। देखिए, सब दलित, पिछड़े, सवर्ण से लेकर के जितने भी उपेक्षित लोग हैं, सब लोग, सब जातियों का गठबंधन है ये, और समाजवादी है ये सब। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर क्यों नहीं बोलते हैं, इसी बात को स्पष्ट हिंदी में? नहीं समझ पाती हो तो जब हिंदी में, जब पत्रकार समझ पा रहे हैं, अच्छा, पत्रकार तो समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे, तुम लास्ट वालों समझना चाहिए आप लोग, हमारे सर, हम तो पता है, हम तो पता है सर, पूरा तुमको समझा दिया, नहीं हमें तो पता है सर, राजभर पता है, राजभर ने एक बयान दिया है कि जो है अखिलेश यादव रात में सीएम से आपसे मिलने जाते हैं, शिकायतें, सब जातियों का गठबंधन है ये, और समाजवादी है ये सब। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे क्यों नहीं बोलते हैं, इसी बात को स्पष्ट हिंदी में? अब नहीं समझ पाते हो तो जब हिंदी में, जब पत्रकार समझ पा रहे हैं, पत्रकार तो समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे, लास्ट वालों समझना चाहिए आप लोग, हमारे सर, हम तो पता है, हम तो पता है, पूरा तुमको समझा दिया, नहीं हमें तो पता है सर, राजभर पता है, राजभर ने एक बयान दिया है कि जो है अखिलेश यादव रात में सीएम से आपसे मिलने जाते हैं, शिकायतें करते हैं, और जो अपने बचाव को लेके, इसको लेके क्या कहेंगे?
देखिए सीएम तो पूरी जनता को होता है, जब कोई सफल लेता है फिर वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, फिर पूरे देखिए और फिर तो वो तो लीडर अपोजिशन है, हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हैं रात में क्यों जाएंगे, दिन में जाएंगे जब मिलेंगे, तब अगर मिलना होगा दिन में मिलेंगे, और रात में अगर मिले हों तो वही मिलते हैं, वो रोज सफल लेते हैं, हमने भी उनकी सिफारिश करी है, फिर कर देंगे उनकी सिफारिश, जल्दी मुख्यमंत्री बना दो राजभर को, हाँ वो परेशान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।